समय माँ मान जिके कोश्चिन सर्टिफिकेट दिया जो भव सागरे तारणे तारणे रवि नंदन बंदन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने मृदु सुंदर तामस भास रहे भूमि विष्णु प्रजापति शंकर हे परम ब्रह्म परा पर देव गणे गुरुदेव दया कर दीन जने मन वरण शासन छोट अनुरोध अच्छे अनुरोध कर भागवत गीता एमती गोटे जिनस प्रत्येक घर घर आम रखी निश्चित भाव थी हे तो सी पूजा पाथे ना किए किए मैंने घरे पढ़ु निश्चय जो मैंने पढ़ुंत मोर से प्रणाम जो मैंने पढ़ुना पूजा करश्चित भाव सन्दे खोल पढ़े पे कान अच्छे पढ़ू जिन बहुत बढ़िया जिनस मैंने विश्वास करें निकट अतर स्कूल भागवत जन्म होता मानते आम अतर्कित भाव सूचना आसला भागवत जन्म आज अच्छी भागवत पाठ करवा पंचम श्रेणी ठू नवम दशम श्रेणी पर्यटन भाई भाई मैंने बसिले भागवत जन्म कौन करवा मनरे धारणा थी भागवत बही निला दीप निला धूप निला एत सुंदर परिवेश यूट्यूब देखुए देखुए ये पिला मैंने के सुंदर भाव में गाँव भागवत से शोक से तर जो लरी से अच्छी सुंदर भाव में गाइले ग्रुप छाड़ी तेणु आगे नेबी आपोध अच्छे निश्चित भाव भागवत आपड़ी पढ़ी न जाणी तर कैसेट भी पेन ड्राइव हूँ कौथे हूँ घर लगे सका सन्दे पिला मान गोटे नैतिक चिंताधारा कौन खाली पाठ पढ़ा दुष्टाइम करवा माँ मान पाखे वाली करवा कि कड़े बुलवाक जावा ये जो जिनस ए जिनस निश्चित भाव से निवृत रही भागवत गीता वेद वेदांत किसी ऐश्वर चिंताधारा तो मन में आसुच आमर जगन्नाथ अष्टकम आम जो शुक्रवार तो रखीच तार गोटे श्लोक था प्रथम श्लोकटा कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशाधिप दे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। मनुष्य जीवन केउठु आरंभ हुए और केउठी शेष हुए कि कहिबा एइले त अस्तुब ना कहिबा मनुष्य जीवन केउठु आरंभ हुए केउठी शेष हुए मु पाखु आछि के भय करियानी के कहिबा ना ऑप्शन देबी कोंदो ऑप्शन देबी देबी विद्यारु आरंभ चाकरी रे शेष ना एंतुड़ी सालरु आरंभ जुईरे शेष इमा कहिले माठु आरंभ माटी रे शेष। नेक्स्ट कहले कि कौन आंसर देले माठु आरंभ मासी नो आंसर ठीक नहीं मैं आखिर पुणी थोड़ी भल भाव कह मनुष्य जीवन टी आरंभ शेष सुझी हुए नहीं तार कसण मूल आशीष तार गंगार धर सकल तीर्थ चरण तार सरगठु पड़ोसी देखी मन पूरी जाए जेते दिन सूर्य थीब जन्म तारा हसु थीब व्यापिकं परायणं भुवनाहं कंकर
पार्वन्तु पापन माने बोसुवम कह धर्म सर्वधर्माणं भवतः परमतः किं जपन्नो तथारि मते डाकिब किसते रथ जातनाको ए दुखीको पूरिको मो चिठी लेखिछि मनीलामणिको मो चिठी लेखिछि मनीलामणिको भाव बिन जिया मोर भाव बुझि पालिब नंदी घोष टकाई मते हात थारिब भाव बिन जिया मोर भाव बुझि पालिब नंदी घोष टकाई मते हात थारिब लागिले तडोरी जीवि पूरी धन्य मो चिठी लेखिछि मनीलामणिको मो चिठी लेखिछि मनीलामणिको सरला जेतेबेळे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होउछि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सरे ताकु पुरस्कार दियागला अन्य पिलामाने कहले ई कोन फुल आंसर दला कोन आगु मुख्यमंत्री प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रे प्राइज देले आगु कोन हेले फुल कहले मते प्राइज मिलुछि ता सेतेबेळे विजयानंद पटनायक तांग भाषण रे कहितले बिजु पटनायक मु एथि बैंक को तांगो प्राइज देली जेहेतु से पचारु पचारु प्रत्येक प्रश्न रो निर्भीक भाव उत्तर देले आ एथि बैंक चापडाली वडाइले फुल उत्तर देले तेरा मुंबई में उद्देश्य तुम पाखे से ब्रेवनेस रहू केते बेले ब्रेवनेस रहइबो जेते बेले किछ जानिथिबो केते बेले जानिबो जेते बेले सुनथबो सुनिले जानिबा जानिले जिणिबा हम ओडिया रे गोटे कथा सुनिले कोन हबा समस्त कहिबा सुनिले कोन हबा जानिले जिणिबा का को जिणिबो पृथ्वी को जिणिबो विद्या अटई महाबल ताबले जिणि भूमंडल एमिति केते कथा जानिछि किंतु प्रयोग नाही अभ्यास थिबो प्रयोग नथिबो बोले असुविधा नाही तुम प्रयोग जानिन प्रयोग जाने दरकार सुनिले नाही बी प्रैक्टिकल हो पिलावा मु खाली सुनी कहिबा आ अनुभव रानिबा गोटे कथा बोले कहू गोटे राज्य जने राजा थिले मु धर्म पाखु आसी बुझि जा सब बोले मु पता भी मझिरे मझिरे प्रश्न केते पिला सुनछ ना नाही जने राजा थिले तांको पकर जने सुपक्वकार रोसेया जे करथिले सुपक्वकार जन थिले भलो रोसेया भलो आउ से खिरी भवेस्त करथि खिरी खीरी बोल तो बहुत पिलांगर लाला भी पड़ दी खीरी रेडी के मिष्टान ना भला ना तेरो से कौन कले दिने राजा कहिले आज गोटे खीरी करी खाइबा किंतु राजा को तो रोसे जाना नहीं केमति से खीरी खाइले तेरो से पचार ले तांकर आराम करे एक स्टोरी आ देखो से कौन कहिले प्रेजेंट माइंड किम दरकार सब क्षेत्र रे प्रैक्टिकल नॉलेज दरकार थ्योरेटिकल नॉलेज किसी आवश्यक नहीं जदिओ आवश्यक प्रैक्टिकल नॉलेज ताडो बड़ कहला आज्ञा आपण राजा लोक बहुत बड़ बड़ स्वप्न काम करथिन बड़ बड़ स्वप्न देखथिन कारण सब कार्य जेंदि स्वप्न से देबो ना तुमे इमे के देखिते कि न भाबी दिया के स्वप्न तमा होइ छै कि बिना भावना रे स्वप्न कि केबे भी मास तले कि वर्ष तले भाबी दिया सेम देखि स्वप्न हो जहार स्वप्न अछि माने कार्य गोटे होइ छै बिना कार्य रे केबे स्वप्न होइए ना सेमती से कहे आप राजा लोक बहुत महान लोक महानुभव बोली लोक मैंने आपको कहते तेनालीराम भल भल स्वप्न देखुं मुझे स्वप्न देखी आली जो रात स्वप्न देखिली पूरा पूरी किंभूत कि स्वप्न आजा मुझे खीरी खाइबार फादन नुह तेज कौन देखिए राजा कहले कौन को स्वप्न देखिल कह से सी कहते सार हे मणिमा मुगर दृष्टांत करता करावे ना मत क्षमा करेंगे आपण जदि मते अभय प्रदान करबे मु कहिबि स्वप्न कथा राजा कहले मु अभय प्रदान करछि कुह सेतेबेले से कहथिन आज्ञा ठीक रात्र बारटा हिचि मु पूरा प्रगाढ़ निदर सोइछि निघोड़ निदर खुंगुड़ी मारिकि सोइछि हठात मु गोटे प्रेतर जो भूत स्वप्न देखिली
कहीं ना मो जेजे मा मत भूत कथा स्वप्न कथा कही मु कथा भाव शु मत से स्वप्न कथा कौन से स्वप्न ना मु ठीक जो बारटा पंदर से टाइम देखिए कहला भाया कौन राजा जिते बड़े ठीक बारटा पंदर हठात गोटे किम्भुत किंबाकार मनुष्य पूरा पूरी तार जो हाथ गोड़ बड़ बड़ी अच्छी ये किम्भुत किंबाकार दृश्य अति भयानक हठात आसिले आसिक कहले ए मुझे डरीगली से तुम मैंने डर न तो हनुमान दर्श पढ़ ना डर कहीं आम सब डरीगल से मालिक कहते मुझे डरीगली थप किना से मो छाती जो सार मैथमेटिक भाषा कह कमन कहते क्षेत्र क्षेत्र दिटा क्षेत्र अच्छे ना नहीं धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र 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 धर्म गुरु हूँ ना यार अर्थ कौन ओडिया भाषा क्षेत्र क्षेत्र धर्म गुरु प्रत्येक अवस्था प्रत्येक समय धर्म करवा उचित गुरु मान कर क्षेत्र क्षेत्र धर्म गुरु प्रत्येक क्षेत्र में धर्म करवा उचित तेरे को क्षेत्र में केवे आरंभ कर धर्म केवे आरंभ कर आम तो सर धर्म कथा किसी बुझे केवे आरंभ कर तेरे प्रथम मत कह धर्म कौन इन साइंस विज्ञान पे सब जान धर्म कार्बन धर्म ग्राफाइट धर्म सब आम पढ़ु ना नहीं तेरे से धर्म कौन मु रिलीजन कथा कहूनी धर्म कथा कहू किए कह धर्म कहले तुम कौन बुझ कह भूल हो कहीं देख गोटे पद कह थे आम ओडिशा मुख्यमंत्री नाम कौन श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक पिता नाम विजु पट्टनायक केते परसेंट ठीक बोले भाव 100% स्वर्गत ना जीवित तुम कह स्वर्गत विजयानंद पट्टनायक विजु पट्टनायक जान थे विजु पट्टनायक मुख्यमंत्री थी समय गोटे स्कूल को आसिले धारे जो विवेकानंद शिशु मंदिर को आसे हठात गोटे श्रेणी की पलैली पाने सब आस पा जन को पचारे ओडिशा मुख्यमंत्री के सेते बेले को विजु पट्टनायक था सी कहले जनक भल पट्टनायक जनक भल पट्टनायक तुम्हें तुम स्वप्न कथा कह मोर स्वप्न कथा कह जार स्वप्न भल हो सी क्षीरी खाइब कंडीशन है राजा भाविले प्रथम मुझे सुपकार पचारि सी जहाँ कहले स्वप्न कथा मुझे बढ़े कह निश्चित भाव क्षीरी खाइबी राजा है जो जबरदस्ती खाई ना लोक मैंने कौन कह बुझीपार ना आम मैंने कौन से विश्राम धरती बोले तुम मैंने पाखे थे खाई हम कि खाई हम तुम कह आखि बुझ केमती देखा जा पृथ्वी खाईदे हम ना सेमती रात स्वप्न देखे से उद्देश्य खीरी प्रस्तुत है खीरी प्रस्तुत है फ्रिज रे रखा ध्यान से शुण खीरी फ्रिज रखाला खीरी फ्रिज रखला माड़ी आराम शोले जी जो प्रस्तुतकारी राजा भी शोले कंडीशन थी सका उठिले तो प्रसाद सेवन हम तेनाली कौन कला सी कह जब सका पर्यटन मु रही मु खीरी खाईपर तेणु सी कौन कले रात बारटा पंदर मिनट हो पंदर मिनट से उठी फ्रिज खोली खीरी सब खाई से खीरी खाली पात्र फ्रिज भितर अच्छी बुझिपार ये आराम खाईदेला निगट निजर शोचार राजा जमी कथा सका प्रातः स्नान कर देव दर्शन कले तुम मान भाया सब व्यवस्थित ढंग से आसन पकड़े भोजन मंत्र पढ़ले उठेले भाई उठतु खाइबा परा तापर सी कहले सर आम कंडीशन थिला कौन कंडीशन ना भल स्वप्न आपण कहे मो स्वप्न कथा मु कह उभयर स्वप्न कथा है खीरी किए खाइब जना पड़े राजा कहले राजा को से पकोकार कहले प्रसाद सेवन का जो मैंने प्रस्तुत करते कहे आप स्वप्न कथा कहतु राजा कहले जी मु स्वप्न कथा आगे कहीदेवी सी मोटू बड़ कर तेणुक सी कहे ना नहीं आपण कहतु आप स्वप्न कथा
ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫରକ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିଥାଉ, ମାନେ ଚାଉଳ ପକାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭାତ ହୁଏ, ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ କେହି କେହି ଅନ୍ନ କହନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଭାତ କହୁଛୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ଭୋଗ କହୁଛେ, ଆର ପ୍ରସାଦ କହୁଛେ। ଯଦି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଯିଏକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ଅଭଡ଼ା କହୁଛେ, ମାନେ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନା, ବିନା ଭଡ଼ାରେ ଯୋଉଠି ମିଳେ ପ୍ରସାଦ ସିଏ ହେଉଛି ଅଭଡ଼ା, ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ନାଁ ବଦଳି ଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଲି ଅଳି ଝିଅ ଅଛ, ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ତାତା କାହିଁ ଗଲି ଉଠ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲି, ଫ୍ରିଜ ଖୋଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି, କ୍ଷୀରି ଖା, କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମୋର ଭୟର ପ୍ରଭାବ ବଢି ଯାଇଥିଲା, କ୍ଷୀରି ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦିନ ଖାଇଲି। ରାଜା କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସକାଳୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବିନା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଖାଇଦେଲ। ସେତେବେଳେ ମାଳି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଦେବେ, ଭୂତ ପ୍ରେତର ଡରରେ ମୁଁ ଏସବୁ କହିଲି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗପଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଦରକାର, ଖାଲି ଭାବିଲେ ହବନି। ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଭାବିଲେ ହବ ନା ପଢିଲେ ହବ? ପଢିବରେ କେବେ ପଢିବା? ଆଜି, ଏବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ, ଏବେ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, DIN, ଡୁ ଇଟ୍ ନାଓ। କାଲି ଯାହା କରିବ ଆଜି ତାହା କରିବ, ଆଜି ଯାହା କରିବ ଏବେ, କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ସରିବ, ଆଉ ତା କରିବ କେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଠିକ ସେ ଶୁଣ, ନ ବୁଝିଲେ ବୁଝ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାତ୍ଵିକ କଥା ସାର ମାନେ ସବୁ ବୁଝେଇବେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ। କେମିତି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନା କେମିତି? ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛ ମାନେ ଟିକେ ମାର୍କ କର, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେଖନ୍ତି ତେ ମାମ ଗୁରୁନାମ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ତଦ୍ ମାନେ ତାହା, ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାଣ, କେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ପଚାରି ପଚାରି ନାହିଁ, ଲାଉଡ଼ ଭଏସ୍ରେ ନାହିଁ, ବିନମ୍ରତାର ସହିତ, ଧୀର ସ୍ଥିର, ଅତି ଭଦ୍ରତାର ସହିତ, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ଦେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ନା କ'ଣ? ଉପକାର ଲାଗିବ ସେସବୁ କଣ ସବୁଦିନ କିପରି ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା? ଆଜି ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡମ କିଛି କହିଲେ, ସେସବୁ କାଲି ପୁଣି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି, କହିବ ତମେ ମାନେ।